महाराष्ट्र के उरण में देखे गए 5 संदिग्धों में से पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। कोलाबा पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर संदिग्धों से जुड़ी सूचना देने की अपील की है। दरअसल कल कुछ स्कूली छात्रों ने आर्मी बेस के पास 4 से 5 हथियारबंद संदिग्धों को देखने का दावा किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी, ATS समेत तमाम एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में लगी है। हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से सतर्कता बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा नौसैन्य अड्डा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उर्वरक संयंत्र, रिफाइनरी, बिजली संयंत्र उरण के पास ही है। मुंबई के उरण में देखे गए संदिग्धों में से 2 संदिग्धों का स्केच जारी हो चुका है। वही मुंबई की सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। तो मुंबई के उरण में देखे गए संदिग्धों में से 2 संदिग्धों का स्केच जारी हो चुका है। वही मुंबई की सुरक्षा भी पूरी तरह चाक चौबंद है। सभी सुरक्षा एजेंसियां संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।